You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने पोलर प्लॉट से नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करना सीखा। अब हम आपको ये बताते हैं कि कैसे स्टेबिलिटी पता करते हैं किसी सिस्टम की, जबकि हमें नाइक्विस्ट प्लॉट पता हो। तो ओपन लूप सिस्टम की हेल्प से हम नाइक्विस्ट प्लॉट बनाएंगे और फिर स्टेबिलिटी आपको हम बता दें, तीन तरीके से हम स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं। स्टेबिलिटी पता करने के तरीके हो गए आपके तीन। देयर आर थ्री वेज टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम यूजिंग नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। फर्स्ट वन इज ओमेगा जी एंड ओमेगा पी, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इन दोनों में हम एक रिलेशन देखेंगे जिसकी सहायता से ये पता कर लेंगे कि वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। एंड सेकंड वन इज गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन हम देखेंगे क्या होता है, अभी इस वीडियो में हम बताएंगे। इसकी सहायता से भी सिस्टम की स्टेबिलिटी हम पता कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो है नंबर ऑफ पोल्स ऑन राइट हाफ। क्लोज लूप सिस्टम के नंबर ऑफ पोल राइट हाफ में हम डिटरमाइन करेंगे। अगर एक भी पोल राइट हाफ में चला जाता है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसका लॉजिक आपको समझा देते हैं। इफ ओमेगा जी इज लेस देन ओमेगा पी सिस्टम इज स्टेबल। ये हम प्रूव करके बताएंगे अभी आपको, और याद रखने के लिए हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। इफ ओमेगा पी इज लेस देन ओमेगा जी देन सिस्टम इज अनस्टेबल। ओमेगा जी इज इक्वल टू ओमेगा पी देन मार्जिनली स्टेबल। और ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, वो हम एक्सेप्शन ही बताएंगे। नॉर्मल केसेस में ये ट्रू होता है और कब ट्रू नहीं होता है तब भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे एक चीज आप देखिए, अगर ये याद करना हो तो कैसे याद करें। ए बी सी डी में पहले क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पहले क्या आता है जी। तो हम मान के चले जी पहले आया देन पी, तो जी इज स्मॉलर देन पी। देखिए जैसे ए से लेके जी तक की डिस्टेंस ये है और पी यहां कहीं होगा, तो दिस इज ए टू जी एंड दिस इज ए टू पी। तो हम मान के चल सकते हैं कि जी इज स्मॉलर देन पी। तो इसकी ट्रिक हो गई है कि नॉर्मली इफ डब्ल्यू जी इज लेस देन डब्ल्यू पी या ओमेगा जी इज लेस देन ओमेगा पी देन सिस्टम इज स्टेबल। ये ट्रिक है इसकी। और अगर ऑर्डर चेंज हो जाए, एबीसीडी का ऑर्डर चेंज हो जाए, देखिए पी पहले आ गया जी बाद में आया, तो ऑर्डर चेंज मीन सिस्टम इज अनस्टेबल। और अगर दोनों इक्वल हो गए देन सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। ये ट्रिक है इसकी, इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, अभी देखेंगे ये क्वेश्चन में। गेन मार्जिन फेज मार्जिन होते क्या है पहले हम आपको ये बता दें, वो भी हम प्रूफ करेंगे। अभी केवल हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं गेन मार्जिन फेज मार्जिन का, और वो आपको डायग्राम में प्रूफ करके भी बताएंगे कि कैसे होता है। गेन मार्जिन का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन अपॉन जी एस एच एस एट ओमेगा पी। हमने बताया था आपको कि गेन मार्जिन जो निकलता है वो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे निकलता है, मतलब फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे जो मैग्नीट्यूड होगी वन अपॉन इनवर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड गेन मार्जिन। इसी को अगर हमें डीबी में चाहिए, गेन मार्जिन अगर डीबी में चाहिए तो यही हो जाएगा 20 लॉग लेंगे इसका। 20 लॉग जब लेंगे तो log 1 upon x is equal to minus log x लिख सकते हैं, तो ये सिंपली आ जाएगा minus 20 log gs hs at omega p। किस फ्रीक्वेंसी पे, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे, दिस इज कॉल्ड गेन मार्जिन इन डीबी। किस फ्रीक्वेंसी पे, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे। फेज मार्जिन कैसे निकालते हैं, फेज मार्जिन इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी एस एच एस एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी। हमने बताया था आपको गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे क्या निकलता है,
फेज मार्जिन निकलता है। तो आपको क्या करना है, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे जो भी एंगल आ रहा हो उसमें 180 डिग्री ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, फेज मार्जिन आपको मिल जाएगा। ये भी हम प्रूव करके आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है। ये चीज हो गई, और लास्ट जो आपकी है वो हम इसको मिटा देते हैं, और लास्ट वाला पॉइंट भी समझाते हैं, फिर सारी चीजें हम आपको बताते हैं कैसे करना है। देखिए, लास्ट वाली जो चीज है हमारी वो बोलेगी z प्लस इज इक्वल टू पी प्लस माइनस एन। यहां पे z प्लस क्या है, z प्लस इज इक्वल टू जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस नंबर ऑफ जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन राइट हाफ ऑफ s प्लेन। देखिए, क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जीएस अपॉन वन प्लस जीएस एचएस, और ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसे अगर जीरो रखेंगे तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे वही क्लोज लूप सिस्टम के लिए क्या काम करेंगे, पोल्स की तरह काम करेंगे, यानी कि यही है नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। ध्यान रखना, ये जो जेड प्लस है यही हमारा क्या होगा, ये बताएगा कि कितने पोल राइट हाफ में है क्लोज लूप सिस्टम के। पी प्लस क्या है हमारा, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ ओपन लूप सिस्टम इन राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो आपको गिवन होगा जीएसएचएस, उसके कितने पोल राइट हाफ में है वो आपको P प्लस बताएगा। और N क्या है आपका, N जो है नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट, नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट ऑफ माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट। कैसे, हम जो रूट लोकस बनाते हैं, सॉरी हम जो पोलर प्लॉट या नाइक्विस्ट प्लॉट जो बनाते हैं, मान लीजिए कि एक प्लॉट ये है और इसका मिरर इमेज ये है, माइनस वन प्लस जे जीरो, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितनी है, जीरो, यानी कि ये पॉइंट होगा माइनस वन प्लस जे जीरो। इसके कितने एनसर्किलमेंट हो रहे हैं, अभी देखिए एक भी एनसर्किलमेंट नहीं है, इस प्लॉट के अंदर माइनस वन नहीं आ रहा है, तो नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर एनसर्किलमेंट हो रहा होता, मान लीजिए प्लॉट हमारा इस टाइप से होता, इस टाइप का कुछ प्लॉट होता, ऐसा एक प्लॉट हमने बनाया था, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट एक और दो, तो यहां एन की वैल्यू अब प्लस टू आएगी या माइनस टू, ये अगर ध्यान देना है तो बहुत आसान है कि इफ नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए एन जो एन की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और क्लॉकवाइज के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। बस इतना भर समझ लीजिए आप लोग, इसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और तीनों मेथड से सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं आपको। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। इसका क्वेश्चन लिया हमने, जीएस एचएस इज इक्वल टू के अपॉन एस एस प्लस वन एस प्लस टू, और इसका आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जो प्लॉट आया था वो हमारा प्लॉट कैसा था, पोलर प्लॉट हमने इसका बनाया था कुछ इस टाइप से। इसी का अगर नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना हो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस जीरो। दोस्तों अगर ये प्लॉट आपको पता नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, उसमें प्लॉट हमने बताया था ये कैसे बनाते हैं, कैसे एरो लगाते हैं, और नाइक्विस्ट बनाने के लिए क्लॉकवाइज एन पाई से हम रोटेट कर देते हैं। एन पाई मीन्स एन है नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, और पाई एंगल से, देखिए ये पाई एंगल हो गया, माइनस प्लस 90 से माइनस 90 तक, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इनफाइनाइट रेडियस लेके मूव कर दिया। अब हमें पहले तो पता करना है ये पॉइंट, तो हमने आपको बताया था कि इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। इस पॉइंट पे अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना हो
तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है वो देखिए आप। फ्रीक्वेंसी जो निकालते हैं वो हमने बताया था कि एंगल की वैल्यू कितनी कर दो आप, यहाँ पे हम थोड़ा सा जिससे कि रूट में ना आए वैल्यू इसको 4 लिख देते हैं। सेम क्वेश्चन हमने कराया था प्रीवियस वीडियो में। इसका एंगल निकालेंगे तो कितना आएगा, -90 डिग्री प्लस टेन इनवर्स ओमेगा, सॉरी -10 इनवर्स ओमेगा अपॉन 4। आई होप कि आप लोगों ने ये एंगल निकालना भी सीख लिया होगा प्रीवियस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, हमने बोला था कि जिस फ्रीक्वेंसी पे एंगल क्या हो जाए हमारा -180 डिग्री हो जाए, वो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या कहलाती है, ओमेगा पी कहलाती है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो इसी को अगर -180 डिग्री के इक्वल रखेंगे तो सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कराया था, ये इधर आएगा, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 10 इनवर्स a + 10 इनवर्स b इज इक्वल टू a + b अपॉन 1 - a × b, और ये इधर 10 जाएगा तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। 10 90 होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट वैल्यू तभी आएगी जब नीचे वाला पार्ट हो जाए 0। तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा +-2, दैट इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, नेगेटिव केवल मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो ओमेगा पी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 2 रेडियन पर सेकेंड, ये चीज हमें ध्यान रखना है। ओमेगा पी हमारा 2 रेडियन पर सेकेंड आ गया है। अब हमें पता करना है कि इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितनी है, तो देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालें तो हमारी वैल्यू आएगी के अपॉन ओमेगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर +1 अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर +16, दैट विल बी इक्वल टू के अपॉन ओमेगा पी की जगह कितना रख दो 2, ये आएगा 2 अंडर रूट 4 + 1 ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 16 ये 20 हो जाएगा, कितना आ जाएगा के अपॉन 2 × 100 हो जाएगा, 100 का रूट कितना आएगा 10, दैट इज इक्वल टू के अपॉन 10। ध्यान रखना मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे, के अपॉन 10 मींस ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू के अपॉन 10, तो ये पॉइंट होगा -k/10। अब आप देखिएगा के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसको हम अच्छे से आपको समझाते हैं। -k/10 तीन कंडीशन बन सकती है यहाँ पे, हम ट्रांसफर फंक्शन अलग लिख देते हैं, के अपॉन एस एस +1 s + 4 दैट इज इक्वल टू आया था हमारा GS HS, ये हमारी वैल्यू आई थी। पॉसिबिलिटी क्या क्या है देखिए, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई हमारी ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू -0, ये एरो ये इधर को ये इधर को ये इधर को, ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ओमेगा इज इक्वल टू -infinite। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि ये वैल्यू जो -k/10 है कितने पे, ओमेगा इज ओमेगा पी इज इक्वल टू 2 पे, हो सकता है -1 जो है वो अंदर हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये आप अगर अच्छे से समझ गए तो समझ लीजिए आपने नाइक्विस्ट के लगभग हर क्वेश्चन कर लिए हैं। ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू -0, और ये यहां पे मिल गया। मान लेते हैं दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि -k/10 जो हो वही वैल्यू -1 के इक्वल हो, दूसरी कंडीशन हो जाएगी हमारी। एंड थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ओमेगा इज इक्वल टू -infinite,
ओमेगा इज इक्वल टू माइनस जीरो, ये एरो इधर, ये एरो इधर, हो सकता है कि ये माइनस के अपॉन टेन हो और यहां माइनस वन हो। तीन कंडीशन हमारी बन सकती हैं, तीनों कंडीशन को हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो थर्ड नंबर हमने बताया था, तीन तरीके से हम स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो तीन तरीके कौन कौन से हैं स्टेबिलिटी कैलकुलेट करने के, एक ओमेगा जी ओमेगा पी में रिलेशन बताया था हमने, दूसरा हमने बताया था गेन मार्जिन फेज मार्जिन, और तीसरा हमने बताया था नंबर ऑफ क्लोज लूप सिस्टम के नंबर ऑफ पोल राइट हाफ में कितने हैं, अगर ये पता कर लिए। तो सबसे पहले देखिए हम तीसरे पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जेड प्लस इज इक्वल टू था पी प्लस माइनस एन। यहां पे देखिए इसको हम मान लेते हैं कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री। फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहले तो देखिए पी प्लस क्या है, ओपन लूप सिस्टम के ऐसे नंबर ऑफ पोल जो राइट हाफ में हो। आप देख लीजिए ओपन लूप सिस्टम में एक भी पोल राइट हाफ में नहीं है, तो तीनों कंडीशन के लिए पी प्लस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में आप देखिए माइनस वन जो है वो अंदर है, माइनस वन अंदर है, तो देखिए एनसर्किलमेंट, एक तो ये एनसर्किलमेंट दिख रहा है आपको, किस डायरेक्शन में दिख रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट के एनसर्किलमेंट देखें तो एक एनसर्किलमेंट है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, मतलब एन इज इक्वल टू माइनस वन, और एक एनसर्किलमेंट ये दिख रहा है, जरूरी नहीं है बिल्कुल सर्किल हो, क्लोज लूप होना चाहिए। देखिए एक बाहर, तो टोटल दो दिख रहे हैं, दोनों क्लॉक वाइज में है, तो माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू। तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू हो गया माइनस टू, तो जेड प्लस इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो माइनस माइनस टू, दैट इज इक्वल टू प्लस टू। सिस्टम हमारा हो गया अनस्टेबल, क्यों, एक भी ये जेड प्लस क्या था, क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जीरोस या फिर क्लोज लूप सिस्टम के पोल्स। तो देख लीजिए दो पोल क्लोज लूप सिस्टम के राइट में जा रहे हैं, और एक भी पोल अगर राइट में जाता है तो सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। और ये कंडीशन कब आई है, देखिए मैग्नीट्यूड देखें तो ये के अपॉन टेन है, ये वन मैग्नीट्यूड है, तो हम बोल सकते हैं कि के अपॉन टेन इज ग्रेटर देन वन के लिए थी, मतलब के ग्रेटर देन टेन के लिए सिस्टम जो है वो अनस्टेबल आ रहा है। इसको आप आर एच क्राइटेरिया से भी सॉल्व करके देखना, वन प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू जीरो से सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आपकी यही कंडीशन आएगी अनस्टेबल के लिए। लेकिन यहाँ कुछ और ही चीजें हमें पढ़ना है, तो देख लीजिए पहले हमने क्या देखा, नंबर ऑफ पोल राइट हाफ में कितने हैं, दो हैं। आप उसमें भी सॉल्व करोगे अगर आर एच क्राइटेरिया में तो दो ही आएंगे। तो यहां से हमने देख लिया कि जब के ग्रेटर देन टेन है तो फर्स्ट वाली कंडीशन में सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है, पहली कंडीशन। तो हम यहां लिख देते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में सिस्टम जो आया वो हमारा अनस्टेबल आया। चलिए सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन देख लीजिए, अच्छा सेकंड कंडीशन बाद में देखेंगे क्योंकि उसी पॉइंट पे है, पहले थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। P प्लस तो हमारा जीरो था क्योंकि एक भी पोल ओपन लूप के राइट में नहीं है। थर्ड कंडीशन हम देख लेते हैं, थर्ड कंडीशन में नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट देखिए, माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट बाहर है, तो ये एनसर्किलमेंट भी इसमें नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, मतलब किसी भी क्लोज लूप के अंदर माइनस वन नहीं आ रहा है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो जेड प्लस इज इक्वल टू पी प्लस माइनस एन, दैट इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक भी पोल क्लोज लूप सिस्टम का राइट हाफ में नहीं है, तो क्लोज लूप सिस्टम हमारा थर्ड के लिए क्या है, स्टेबल है। थर्ड केस में क्लोज लूप सिस्टम हो गया हमारा स्टेबल। अब हम देखते हैं सेकेंड केस में, सेकेंड केस की जो हम बात करें तो सेकेंड, अच्छा इस केस में हमने ये भी देखा है, यहाँ पे देखिए के अपॉन टेन की जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन वन है, देखिए ये है के अपॉन टेन और वन है ज्यादा, तो के जो है वो लेस देन टेन है, यहाँ के क्या था ग्रेटर देन टेन, ग्रेटर देन टेन के लिए सिस्टम अनस्टेबल आया, लेस देन टेन के लिए आया स्टेबल। ये जो कंडीशन है इस पे देखिए माइनस वन पे होके ही गया है, तो ऐसी जब भी कंडीशन आए इस केस में तो हम मान के चलते हैं कि अगर थोड़ा भी k अपॉन 10 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो माइनस वन अंदर आ जाएगा, मीन सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल। अगर k अपॉन 10 की वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी तो माइनस वन बाहर हो जाएगा, तो सिस्टम हो जाएगा स्टेबल। इट मींस ये मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन है। तो इस टाइप के जब माइनस वन से होके ही रूट लोक सॉरी पोलर प्लॉट क्रॉस कर रहा हो तो उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें लिख देना है कि उस केस में सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल है। तो ये हमने
तीसरी जो मेथड आपको बताई थी कि नंबर ऑफ पोल्स राइट हाफ में पता करके हम स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं सिस्टम की, तो वो तीसरी कंडीशन से हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे k अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 माइनस k अपॉन 10 की मैग्नीट्यूड कितनी है 1 है, तो k इज इक्वल टू क्या है 10। तो हमने देख लिया k ग्रेटर देन 10 के लिए अनस्टेबल, लेस देन 10 के लिए स्टेबल, इज इक्वल टू 10 के लिए मार्जिनली स्टेबल। इसी को आरएच क्राइटेरिया से भी सॉल्व करना, सेम आंसर आएगा। अब हमने ये तीसरा पॉइंट बताया आपको, जो तीसरे में बोला था कि हम नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट से पता कर लेंगे कि वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। अब हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। पहला पॉइंट हमने क्या बताया था कि ओमेगा जी ओमेगा पी के रिलेशन से भी हम पता कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या सिस्टम अनस्टेबल है। तो जरा देखिए, अच्छे से समझिएगा, यहां पे ओमेगा पी है। हमने आपको बताया था कि यूनिट सर्किल जिस पॉइंट पे कट करे, देखिए यूनिट सर्किल अगर हम बनाएंगे तो नॉर्मल सी बात है यहां कहीं कट करेगा। दिस फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड ओमेगा जी, और आप ओमेगा जी की वैल्यू कैसे निकालते हो, मोड इज इक्वल टू 1। आप कैलकुलेट करके देखना, 2 से ज्यादा आएगी कब, जब के ग्रेटर देन क्या हो 10। या आपको दिख ही रही है, देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया 2 तक, तो इसके बाद ओमेगा जी जो है वो कंफर्म है 2 से क्या है ग्रेटर है, क्योंकि इसके बाद आ रही। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि ओमेगा पी इज लेस देन ओमेगा जी। तो देखिए आप क्या ऑर्डर, ए बी सी डी के ऑर्डर में पहले क्या आता है जी, लेकिन इसमें क्या आ रहा है पहले पी। तो इस हिसाब से भी सिस्टम क्या होना चाहिए, अनस्टेबल। तो ये जो चीज हमने आपको बताई थी कि अगर ओमेगा पी लेस देन ओमेगा जी होगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। दूसरा केस देखिए, यहां पे अगर हम यूनिट सर्किल बनाए तो यूनिट सर्किल कुछ इस टाइप से बनेगा और कट करेगा यहां। देखिए फ्रीक्वेंसी यहां 0 है और इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू कितनी है 2। तो 0 और 2 के बीच में, यानी कि यहां जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी बिटवीन 0 एंड 2, और यही हो गई ओमेगा जी। तो आप देखिए ओमेगा जी जो है वो 2 से छोटी है, तो ओमेगा पी क्या हो गई बड़ी हो गई। तो यहां पे हम लिखेंगे ओमेगा जी इज लेस देन ओमेगा पी। देखिए एबीसीडी का ऑर्डर आपको मिल रहा है, ओमेगा जी इज लेस देन ओमेगा पी, पहले क्या आ रहा है जी, फिर क्या आ रहा है पी। तो ये सिस्टम क्या होना चाहिए, स्टेबल, और यही हमने आपको सिखाया था। तो सिस्टम हमारा क्या हो गया, तीसरा वाला स्टेबल हो गया। यहां पे आप देखिए ये वैल्यू -1 है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है यहां से यहां तक 1। तो अगर यूनिट सर्किल भी आप बनाते हो तो यूनिट सर्किल इसी पॉइंट से क्रॉस करेगा, यही फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा पी थी और यही से यूनिट सर्किल क्रॉस कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगी ओमेगा जी हो जाएगी। इसका मतलब है ओमेगा पी इज इक्वल टू ओमेगा जी। जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो सिस्टम क्या हो जाता है, मार्जिनली स्टेबल। तो ध्यान रखना यहाँ पे सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल। एक हम आपको बात बता दें, ये जो चीजें हमने बताई हैं, सबसे पहले जो तीसरा वाला पॉइंट बताया था नंबर ऑफ पोल्स इन राइट हाफ, वो मेथड हमेशा वैलिड होगी, यूनिवर्सल मेथड है। लेकिन ये ओमेगा जी और ओमेगा पी वाले जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं कई बार, कब, जब पोल या जीरो ओपन लूप के राइट में चले जाएं, तो इस मेथड से आंसर हमेशा आपका गलत आएगा। हम एक एग्जांपल लेके भी बताएंगे। तो आपको हमने दो मेथड बता दी, ओमेगा जी और ओमेगा पी में रिलेशन निकाल के हम पता कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, और एक बता सकते हैं नंबर ऑफ पोल राइट हाफ में कितने हैं, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब हम इनको मिटा के गेन मार्जिन फेज मार्जिन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बता देते हैं आपको कि गेन मार्जिन फेज मार्जिन का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो देखिए तीनों प्लॉट हम आपको बता देते हैं फिर से। एक प्लॉट हमारा है, केवल अब हम पोलर प्लॉट बना रहे हैं, उससे आइडिया आपको लग जाएगा, आपको याद तो हो ही गया होगा कि कौन सा सिस्टम स्टेबल था कौन सा सिस्टम अनस्टेबल था। सेम के सेम तीनों हमने बना दिए, इसमें -1 अंदर है, इसमें -1 यहीं पे है और इसमें -1 बाहर है। आपको अब भी हमने बनाया था और हमने प्रूव किया था कि ये सिस्टम जो है वो स्टेबल था, ये मार्जिनली स्टेबल था और ये अनस्टेबल सिस्टम था। अब देखिए होगा क्या, इस ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा पी। इस फ्रीक्वेंसी पे अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, जीएस एचएस की मैग्नीट्यूड किस पॉइंट पे ओमेगा पी पे, तो वो कितनी निकलेगी इतनी, इसको हम एक्स मान लेते हैं मैग्नीट्यूड को केवल, दिस इज इक्वल टू एक्स। आप खुद बताइए इस
फ्रिक्वेंसी पे इस मैग्नीट्यूड में कितना मल्टीप्लाई हो जाए कि इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाए। तो देखिए अगर आप 1/x का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे इसी पॉइंट पे, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये कहां पे पहुंच जाएगा पॉइंट खिसक के, यहां पे। और अगर इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करते हो तो ये पॉइंट कहां हो जाएगा, बाहर, ये पॉइंट बाहर चला जाएगा, ऐसा बन जाएगा, मतलब ये सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो इसके पास मार्जिन कितना है, 1/x का, यानी कि 1/GsHs के मॉड का किस फ्रीक्वेंसी पर, ओमेगा पी, यही कहलाता है गेन मार्जिन। मैग्नीट्यूड में कितना मार्जिन है कि हम इसमें कितनी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दें कि ये सिस्टम स्टेबल से कहां तक पहुंचे, मार्जिनली स्टेबल तक पहुंचे। अगर इससे ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कहां चला जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड गेन मार्जिन। और इसी को अगर डीबी में निकालेंगे तो कितना आएगा, -20 log GsHs एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी। इसीलिए हमने बोला था कि हम क्या करते हैं, फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पे क्या निकालते हैं, गेन मार्जिन निकालते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब आप खुद समझ लीजिए यहां पे गेन मार्जिन की वैल्यू पे फोकस करना है आपको, गेन मार्जिन की वैल्यू, कब सिस्टम स्टेबल होगा, कब सिस्टम अनस्टेबल होगा। देखिए आप अच्छे से, x अगर हमारा 1 मैग्नीट्यूड से छोटा है, x 1 मैग्नीट्यूड से क्या है, छोटा है, तो ये सिस्टम जो है वो कैसा था हमारा, स्टेबल था। अब भी हमने देखा था ये वाला क्या है, स्टेबल है। तो देखिए x अगर 1 से छोटा है, x क्या है, लेस देन 1, तो सिस्टम कैसा है, स्टेबल है। यही GsHs ही तो x है, तो अगर 1 से छोटी वैल्यू का लॉग लोगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि आप रट लो कि गेन मार्जिन जो है वो स्टेबल सिस्टम का हमेशा पॉजिटिव आता है। फिर से समझा देते हैं, समझिए ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, बिल्कुल स्टेबल है। इसमें जो x की वैल्यू है वो 1 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है। यहां देखिए x क्या है, GsHs, तो अगर ये 1 से छोटा है और गेन मार्जिन हमारा कितना निकला है, -20 log GsHs, अगर ये 1 से छोटा है तो log लेस देन वैल्यू 1, 1 से छोटी वैल्यू का जो log होता है वो ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो स्टेबल सिस्टम का गेन मार्जिन क्या निकला, पॉजिटिव। यहां पे देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x एक्चुअली होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये है x, यहां x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है, तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो log 1 होता है 0, तो गेन मार्जिन क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम का गेन मार्जिन क्या होता है, 0 होता है, ये चीज ध्यान रखना। यहां पे देखिए आप x जो है, x क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड एट ओमेगा पी, x यहां पे 1 से बड़ा है, तो यहां 1 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो log ग्रेटर देन 1 वैल्यू, तो ये पॉजिटिव आएगा, एक माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो गेन मार्जिन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जो सेकंड मेथड हमने बताई थी कि गेन मार्जिन से हम कैसे पता करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो स्टेबल, नेगेटिव है तो अनस्टेबल, और जीरो है तो क्या हो जाएगा, ये मार्जिनली स्टेबल, गेन मार्जिन की सहायता से। अब देखते हैं फेज मार्जिन क्या होता है, देखिए फेज मार्जिन समझाते हैं आपको, फिर से ये तीनों डायग्राम बना लेते हैं एक बार। तीनों डायग्राम फिर से बना लेते हैं, यहां -1, यहां -1, यहां -1। चलिए यूनिट सर्कल बनाते हैं, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ओमेगा जी, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ओमेगा जी ऑल्सो ओमेगा पी, यहां ओमेगा पी यहां पे होगी, दिस इज ओमेगा पी। यूनिट सर्कल आप बनाओगे, दिस इज ओमेगा जी। अब आप देखिए यहां पे ओमेगा जी पे एंगल, एंगल कैसे करते हैं, जिस पॉइंट पे हमें एंगल निकालना हो उस पॉइंट को किससे, ओरिजिन से मिला दो और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देख लो। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल आ रहा है, मतलब ये एंगल नेगेटिव है,
तो एंगल जी एस एच एस जो हमारा आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इसमें अगर प्लस 180 डिग्री कर देंगे, प्लस 180 डिग्री क्यों, ये नेगेटिव वैल्यू में टोटल 180 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इतना। मतलब ये पॉइंट जब तक यहां तक ना पहुंच जाए तब तक ये सिस्टम स्टेबल रहेगा। जैसे ही ओमेगा जी इस पॉइंट पे आ जाएगी, मतलब ये एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ओमेगा जी किस पे आ जाएगी, ओमेगा पी पे, तो सिस्टम बन जाएगा मार्जिनली स्टेबल। तो इतना मार्जिन है एंगल में, तो यही क्या कहलाता है हमारा, फेज मार्जिन। देखिए ये एंगल नेगेटिव आएगा, क्यों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस एंगल में मान लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं कि ये माइनस 110 है, हमारे पास मार्जिन कितने का है इसका, जो कि दिख रहा है, अगर ये माइनस 110 है तो ये कितना है टोटल 80। तो माइनस 110 में अगर हम 180 ऐड कर, सॉरी ये अगर माइनस 110 है तो कितना है 70 का मार्जिन हुआ, ये माइनस 110 तो मार्जिन कितना हुआ 70, क्योंकि टोटल क्या होता है 180 डिग्री। तो अगर माइनस 110 एंगल है और इसमें 180 ऐड करोगे तो ऑलरेडी कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो ये है हमारा फेज मार्जिन। तो आप देखिए कि अगर ये फेज मार्जिन हमारा 180 ऐड करने पे नेगेटिव में कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी सिस्टम क्या है, स्टेबल। ध्यान रखना फेज मार्जिन पॉजिटिव आता है तो सिस्टम स्टेबल है। यहां ओमेगा जी पे एंगल देखिए, टोटल एंगल कितना हो गया ये माइनस 180, और इसमें प्लस 180 और करोगे तो फेज मार्जिन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम के केस में फेज मार्जिन क्या होता है, जीरो होता है। यहां पे देखिए एंगल ओमेगा जी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे जो एंगल निकलेगा, देखिए ये एंगल किस पे निकाला जाता है, ओमेगा जी पे, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे जो एंगल निकलेगा वो देखिए 180 डिग्री से भी ज्यादा है मैग्नीट्यूड में। मतलब ये लगभग मान लीजिए कि माइनस 240 250, 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा। इसमें जब आप 180 डिग्री ऐड करोगे एंगल ऑफ जी एस एच एस में, तो आप देखिए ये वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, लेकिन कैसी है, नेगेटिव है, यानी कि टोटल जो फेज मार्जिन है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये सिस्टम कैसा था, अनस्टेबल था, तो अनस्टेबल सिस्टम का फेज मार्जिन क्या आता है, नेगेटिव। तो ओवरऑल आज जो हमने चीजें सीखी हैं वो क्या सीखी हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे वो हम आपको बता देंगे। हमने ये सीखी हैं कि एक तो z प्लस इज इक्वल टू होता है p प्लस माइनस n, जहां पे p प्लस z प्लस n क्या क्या होते हैं ये हमने बता दिया। अगर z प्लस इज इक्वल टू जीरो तो सिस्टम इज स्टेबल, z प्लस इज इक्वल इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ग्रेटर देन जीरो तो सिस्टम इज अनस्टेबल। z प्लस कभी नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि ये है नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। नंबर ऑफ पोल कितने पोल है, या तो एक भी नहीं होगा या एक दो तीन चार, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो सिस्टम अनस्टेबल। ये यूनिवर्सल है, ये हमेशा आपके काम आएगा, ये चीज ध्यान रखना। इसमें मार्जिनली स्टेबल चेक करना है तो बस ये देखना पड़ता है कि माइनस वन से होके अगर पोलर प्लॉट जा रहा है तो वो मार्जिनली स्टेबल होगा। ये हर केस में आपको वैलिड होगा, चाहे पोल राइट में चले जाए, जीरो राइट में चले जाए, ओपन लूप के हर केस में वैलिड होगा ये। दूसरा केस हमने देखा है कि अगर ओमेगा जी लेस देन ओमेगा पी, ओमेगा जी ग्रेटर देन ओमेगा पी, ओमेगा जी इक्वल टू ओमेगा पी, ये हो गया स्टेबल, ये हो गया अनस्टेबल, और ये हो गया मार्जिनली स्टेबल। ये जो केस है वो केवल और केवल कब वैलिड होगा वो हमें देखना है कि ओपन लूप सिस्टम के पोल जीरो लेफ्ट में हो। अगर ओपन लूप सिस्टम के पोल या जीरो राइट में जाते हैं तो उन दोनों में से किसी एक केस पे एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं, वो हम आपको बताएंगे। यानी कि ये मेथड तब परफेक्ट है जब पोल और जीरो सारे कहां हो, लेफ्ट में। किसके पोल और जीरो, ओपन लूप सिस्टम के। तो हम इस मेथड से भी आंसर निकाल सकते हैं, हमें नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट निकालने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ हमने एक और देखा कि गेन मार्जिन फेज मार्जिन दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो या दोनों जीरो हो, ये स्टेबल अनस्टेबल मार्जिनली स्टेबल। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर ऐसा कभी आ रहा है तो समझ लीजिए आपने सॉल्यूशन गलत किया, आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी। दोनों या तो पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे या जीरो आएंगे। ये भी तभी वैलिड है जब पोल और जीरो सारे कहां हो, लेफ्ट में हो। इसके ओपन लूप सिस्टम के पोल जीरो लेफ्ट में हो तब इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर पोल या जीरो राइट में चले गए तो कोइंसिडेंट से आपका आंसर भले ही आ जाए लेकिन गलती करने के चांस है। तो ये दोनों मेथड तभी अप्लाई करें जब ओपन लूप सिस्टम के पोल जीरो लेफ्ट में हो।
अगर राइट में जाते हैं तो वो जो एक तीसरी मेथड बताई थी वो आपको अप्लाई करना है। तो अगेन हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं, जो कि आ रहे हैं हमें पता है, तो फिर आप लाइक कर दीजिए जल्दी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस और लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए ना, शेयर करेंगे तभी तो दूसरे लोगों तक पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच।